हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हिमाचल चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। नड्डा का तीसरा रोड शो कल कुल्लू में भरेंगे चुनावी हुंकार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का तीसरा रोड शो और रैली शुक्रवार को कुल्लू में होगी। नड्डा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह संसदीय क्षेत्र मंडी में चुनावी हुंकार भरेंगे। वो पहले धर्मशाला में भाजयुमो के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में जाएंगे, उसके बाद कुल्लू में जनसभा करेंगे। इससे पहले नड्डा शिमला और कांगड़ा में भी दो रोड शो कर चुके हैं। पंचतत्व में विलीन हुए पंडित सुखराम, राजकीय सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के चाणक्य रहे पूर्व केंद्रीय दूरसंचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम का गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मंडी में ब्यास नदी किनारे हनुमान घाट में दोपहर करीब 2:15 बजे उनके पुत्र विधायक अनिल शर्मा ने उन्हें मुखाग्नि दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत सैकड़ों लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। कुल्लू लाहौल में चोटियों पर बर्फबारी, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में धूप खिली। कुल्लू और लाहौल में ऊंची चोटियों पर गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी बर्फबारी हुई। वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में धूप खिली रही। मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में शुक्रवार को भी बारिश के आसार हैं। शनिवार और रविवार को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। नशे की ओवरडोज से हुई थी लापता धीरज की मौत, दोस्तों ने बोरे में बांधकर खड्ड में दफना दिया था शव। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर के थड़ू गांव में 26 अप्रैल को लापता 19 साल के धीरज का शव पुलिस ने गुरुवार को बकर खड्ड से बरामद किया है। शव को रस्सियों से बांधकर दफनाया गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि छात्र नशे का आदी था और कुछ दोस्तों के साथ नशे की ओवरडोज से उसकी मौत हुई। डर के मारे दोस्तों ने उसके शव को बोरे में बांधकर खड्ड में दफना दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामले में हत्या का केस दर्ज हुआ है। दो अन्य को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 1 IAS और 49 HAS अधिकारियों का तबादला, 6 को अतिरिक्त कार्यभार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अफसरशाही में बड़ा फेरबदल किया। 1 IAS और 49 HAS अधिकारियों के तबादले किए गए, 6 HAS के अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। सरकार ने उपमंडल अधिकारियों सहित AC2, DC, RTO और जिला पर्यटन अधिकारियों के जिले और उपमंडल बदले हैं। गुरुवार को कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की। IAS नवीन तंवर को उपमंडल अधिकारी कांगड़ा लगाया गया। HAS अधिकारियों में विजय कुमार को विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग, राजीव कुमार को अतिरिक्त निदेशक स्वास्थ्य, अश्विनी कुमार को ADM मंडी के पद पर स्थानांतरित किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में 4 से 31 जुलाई तक होंगी गर्मियों की छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में 4 से 31 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। CU प्रशासन 1 अगस्त 2022 से मॉनसून सेमेस्टर शुरू करेगा। इस संदर्भ में अधिष्ठाता प्रोफेसर प्रदीप कुमार ने CU के कुलपति के आदेशानुसार अधिसूचना जारी कर दी है। CU की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एंड टर्म एग्जाम 20 जून से 3 जुलाई 2022 तक होंगे। परीक्षा केंद्र का उपाधीक्षक बीता खुद परीक्षार्थी, पेपर कैसे लीक ना होता। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा का प्रश्न पत्र मंडी जिले के डडौर स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान के अधीक्षक व उप अधीक्षक ने 2 घंटे पहले ही लीक कर दिया था। परीक्षा में उप अधीक्षक खुद परीक्षार्थी था। उसकी ड्यूटी 24 अप्रैल को डडौर के शिक्षण संस्थान में लगी थी। उसकी खुद की परीक्षा जोगिंद्रनगर के एक केंद्र में थी। डडौर के शिक्षण संस्थान में उसने परीक्षा अधीक्षक के साथ मिलीभगत कर 8:20 पर प्रश्न पत्र खुलवा दिया था। प्रश्न पत्र खोलने के लिए अधीक्षक व उप अधीक्षक ने लिफाफे के बाहर हस्ताक्षर किए थे। शिमला में HRTC पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर कल्याण संगठन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेंशन और वित्तीय लाभ समय पर न मिलने पर वीरवार को शिमला के पुराने बस अड्डे पर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से पेंशनर्स ने भाग लिया। संगठन का कहना है कि सरकार को पेंशनर्स लंबे समय से अपनी मांग पत्र सौंप रहे हैं, लेकिन आज दिन तक केवल उनके साथ भेदभाव ही हुआ है। पापरा साहिब में नाबालिग लड़के ने घर की छत पर फहरा दिया खालिस्तानी झंडा, पुलिस ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के पापटा साहिब में एक नाबालिग युवक ने खालिस्तानी झंडा घर की छत पर फहरा दिया। जिला सिरमौर में पापटा साहिब नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 में एक नाबालिग लड़के की यह करतूत है। लड़के ने कुछ दिनों से अपने घर की छत पर यह झंडा फहराया था। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित विधानसभा परिसर में खालिस्तान के झंडे व स्लोगन लिखे जाने से हरकत में आई पुलिस और जागरूक लोगों ने पापटा साहिब में भी जब भिंडरवाला का झंडा देखा तो इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और इसकी जानकारी पुलिस को दी।
2011 में LLB परीक्षा में कथित तौर पर नकल करते पकड़े गए थे JP सिंह। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में पेपर लीक मामले में IG आर्म्ड पुलिस एंड ट्रेनिंग भर्ती के प्रमुख JP सिंह को उनके पद से हटाकर IG PNTNR के पद पर नियुक्ति दी है। JP सिंह करीब 2 हफ्ते से छुट्टी पर हैं। चिंतपूर्णी में जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश, ग्राहक बनकर होटल में पहुंची पुलिस, 3 महिलाएं पकड़ी। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में चिंतपूर्णी पुलिस ने धार्मिक नगरी में जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक होटल में दबिश देकर 3 महिलाओं समेत इस अवैध धंधे को चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इन चारों को पुलिस ने नए बस अड्डे के समीप होटल से पकड़ा। ये सारी कार्यवाही SDPO IPS इल्मा अफरोज के नेतृत्व में बुधवार देर रात की गई। खनन माफिया ने वन विभाग और पुलिस कर्मियों पर किया हमला, इंस्पेक्टर का अपहरण किया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पपटा साहिब के रामपुर घाट क्षेत्र में खनन माफिया पुलिस व खनन विभाग कर्मियों पर हमला कर दिया। मामला बुधवार देर रात का है। बताया जा रहा है कि खनन माफिया यमुना नदी के चोर रास्ते से खनन सामग्री ट्रक से ले जा रहे थे। पुलिस और वन विभाग के कर्मियों ने खनन माफिया को रोकने का प्रयास किया तो माइनिंग इंस्पेक्टर को ही अगवा कर लिया। माइनिंग इंस्पेक्टर किसी तरह माफिया के चंगुल से छूट कर भागा। खनन माफिया ने पुलिस जवान और वन विभाग कर्मी से मारपीट भी की।